अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम और एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें एक्सेल शीट में अवेलेबल नहीं मिलता है, लेकिन वही ऑप्शन एमएस वर्ड में अवेलेबल होता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस के बारे में। आज हम सीखेंगे इस ऑप्शन को एक्सेल में कैसे अप्लाई करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो के बारे में आपको नोटिफाई हो जाए। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे हम ये ऑप्शन अप्लाई करते हैं। इन तीनों ऑप्शनों को हम सीखेंगे आज अप्लाई करना, यहाँ से अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस। तो अपर केस के लिए हम करेंगे फॉर्मूला एक टाइप इज इक्वल टू लिखेंगे। इज इक्वल टू लिखने के बाद हम अपर टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखिए ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। लोअर केस के लिए हम करेंगे इज इक्वल टू लोअर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने के लिए इज इक्वल टू प्रॉपर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये तीनों अपने अपने सीक्वेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब जो हमारे पास नीचे जो डाटा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे नीचे। ये आप देख सकते हैं सारा डाटा सीक्वेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।